हेलो माय सोल्जर, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा कल हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, आज हम यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज आप इसको ध्यान से समझना, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा यूनिट वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो कल हमने पेपर के अंदर लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्या पता चलेगा कि हमें यूनिट वेक्टर का कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर, देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर देखो बेटा, मेरे पास तीन एक्सिस होते हैं। ठीक है बेटा, एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। बेटा ये एक्सिस है ना, एक्स तो ऐसे है, वाई ऐसे है, और बेटा जो जेड एक्सिस है ना वो बाहर है, प्लेन के बाहर की तरफ है। ठीक है, अब जो बाहर की तरफ है बेटा, एक्स के अलोंग मैं आई कैप ले रहा हूं बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग ले रहा हूं बेटा जे कैप, इसके अलोंग ले रहा हूं मैं के कैप। बेटा जो ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ठीक है, मैंने इनके बारे में कल पढ़ा भी दिया था कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये के कैप होता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था कि यूनिट वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑर्थोगोनल समझना, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, क्या ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो बेटा यूनिट वेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा यूनिट वेक्टर, बेटा इसके वर्डिंग से पता चल रहा है, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। ठीक है, अगर मैंने मान लिया बेटा, देखो कि अगर कोई भी एक ए वेक्टर गिवन है बेटा, ए वेक्टर गिवन का मतलब है कि मेरे पास कोई भी ए वेक्टर दे रखा है। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड है। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करूंगा भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब बेटा ए एक्स ए वाई ए जेड, उसके अलोंग अलोंग कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब बेटा यूनिट वेक्टर को मैंने ये भी बता दिया था कि कैसे डिनोट करते हैं, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी ए वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर के अलाइन है, यूनिट वेक्टर क्या करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप का जे कैप का एंड के कैप का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, इनका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो बेटा ए वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उसके अलोंग, तो बेटा उसको डिनोट करते हैं किससे बेटा, ए कैप से। मैंने मान लिया कि ए कैप ये कोई भी यूनिट वेक्टर है अलोंग द ए वेक्टर। ठीक है, अब जो ए कैप आएगा बेटा इस वेक्टर के अलोंग, बेटा जो ये ए वेक्टर है ना इसके अलोंग, बेटा ये ए वेक्टर मैंने ऐसे डिनोट किया है। ठीक है, ये वेक्टर इसकी कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां हो सकती है। ठीक है, वेरी इजी, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेटा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब बात किसकी आ रही है बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मेजरमेंट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, है ना, मोड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड पढ़ते हैं ना मैथ्स के अंदर, मॉडुलस ऑफ जेड, उसमें क्या करते हैं बेटा, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है तो इसका हम ऐसे करते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक प्रकार से क्या होता है कि ये डिस्टेंस होती है इस ओरिजिन से इस पी पॉइंट की। ठीक है, या आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हो और आपको आपने इसको ऐसे भी सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो क्या होगा, जो ए एक्स ए वाई और ए जेड है ना इनके कोफिशियंट का स्क्वायर होने वाला है। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये लिए है ना हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिए। ठीक है, अगर आपको फील करना है ना इस चीज को, तो आप क्या करोगे कि एक पॉइंट को ओरिजिन पर रखकर ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि थ्री डी प्लेन होने वाला है वाई एक्स जेड, तो बेटा ये पॉइंट होगा, अगर यहां पे तीन कोऑर्डिनेट आ रहा है तो मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ये 3D का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन द
टू पॉइंट्स। तो बेटा ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी तो क्या है, डिस्टेंस है। तो बेटा डिस्टेंस क्या जाएगी इसका, ax माइनस ओरिजिन है जीरो है तो ax का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो होता है बेटा, ax माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ay माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस az माइनस जीरो का होल स्क्वायर। बेटा क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं तो क्या आएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्या आएगा, रूट ऑफ, बेटा यहां से देखो मैथ्स भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। ठीक है, यही कंपटीशन होता है चीजों को अच्छे से फील करके पढ़ना। ठीक है, तो बेटा करो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड आ गया। तो बेसिकली मेरे पास जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ए कैप विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर तो बेटा आपको गिवन है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बेटा अगर आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है तो आप ए वेक्टर को भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे आसान कुछ होने वाला नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक वेक्टर दे रखा बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एक बेटा a वेक्टर दे रखा है अलोंग द लाइन, अब उसका अलोंग द लाइन यूनिट वेक्टर निकालो, अलोंग द लाइन इसका यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, अगर हमें एक वेक्टर दे रखा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर उस लाइन के अलोंग क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो बेटा इनको कंपेयर करो, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर माइनस टू जे, टू आई माइनस टू जे प्लस 3k डिवाइडेड बाई, बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 4 8 और 9 17। तो बेटा क्या जाएगा, वही 2i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई रूट 4 4 8 9 17। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो बेटा, इसके साथ डायरेक्शन कोसाइन भी आता है और डायरेक्शन रेशियो भी आता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज हम अगले लेक्चर के अंदर आपको विद कंसेप्ट करने वाले हैं। पहले इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी टाइप के एयरफोर्स एनडीए नेवी डबल ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते, पहले आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपका हर एक टॉपिक जीरो से अपर लेवल तक अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बेटा यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात जरूर याद रखना, आपको क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट होगा, प्लीज बस इस बेस को हिलने मत देना, बाकी हर एक चीज आसान लगेगी आपको। बेस ऐसा का ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, और जो साइड में लाल बटन है ना, उनको दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलती रहेंगे। तब तक के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद लोड्स ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।